फ्रेंड्स वेलकम टू माई क्लास फ्रेंड्स डिस्कस अबाउट ब्लड वेसल्स द ब्लड ट्रैवल्स थ्रू आउट द बॉडी थ्रू ब्लड वेसल्स पूरी बॉडी में ब्लड ट्रैवल किसके जरिए कर रहा है ब्लड वेसल्स के जरिए द थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स आर आर्टरीज कैपरीज वेन्स तीन किस्म की ब्लड वेसल्स हैं हमारी बॉडी में आर्टरीज कैपरीज और वेन्स आज हम आर्टरीज के बारे में पढ़ेंगे आर्टरीज़ आर्टरीज़ आर द द ब्लड ब्लड वेसल्स दैट कैरी अवे फ्रॉम ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड को दिल से दूर लेके जाती हैं अवे फ्रॉम द हार्ट यानी कि दिल से दूर लेके जाती हैं आर्टरीज हैव थिक एंड फ्लैक्सीबल वॉल्स आर्टरीज की दीवारें मोटी हैं और लचकदार हैं मोस्ट ऑफ द आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ज्यादातर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं यानी कि ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मौजूद होती है बट पलमोनरी आर्टरीज कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स लेकिन पलमोनरी आर्टरीज ऐसी आर्टरीज हैं जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं लंग्स की तरफ डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसा ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती यानी कि ऑक्सीजन प्यर ब्लड आर्टरीज डिवाइडेड मैनी टाइम्स टू स्मॉलर ट्यूब्स आर्टरीज कई मरतबा तकसीम होती हैं छोटी ट्यूब्स में कार कैपलरीज जिन्हें हम कहते हैं कैपलरीज यानी कि जब आर्टरीज डिवाइड होती हैं और डिवाइड होकर छोटी ट्यूब्स बनाती हैं तो उन छोटी ट्यूब्स को हम कहते हैं कैपलरीज तो स्टूडेंट्स आज हमने आर्टरीज के बारे में बात की आर्टरीज ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड को दिल से दूर लेके जाएंगी आर्टरीज की दीवारें मोटी हैं और लचकदार हैं ज़्यादातर आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं लेकिन पल्मोनरी आर्टरीज ऐसी आर्टरीज हैं जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दिल से लंग्स की तरफ लेके जाती हैं और वो कह रहा कि है कि आर्टरीज कई मरतबा डिवाइड होती हैं और डिवाइड होकर छोटी ट्यूब्स बना देती हैं उन छोटी ट्यूब्स को हम कहते हैं कैपलरीज स्टूडेंट्स आज के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं डिफाइन आर्टरीज आर्टरीज की तारीफ करें तो इसमें आपने सिंपल डेफिनेशन करनी है कि आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट आपकी बुक जहां से आपने इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है आज हमने बात की ब्लड वेसल्स की कि ब्लड वेसल्स हैं क्या कितनी शाम की ब्लड वेसल्स हैं और फिर हमने आर्टरीज की बात की थैंक यू स्टूडेंट्स